अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल मैजिक मैथ्स बाय अजय सर पे। दोस्तों, मनुष्य जीवन अनमोल है और जीवन रक्षा सबसे बड़ा धर्म है। किसी भी विकट परिस्थिति में हर तरह की सहायता के लिए शिक्षा नगरी सीकर के शिक्षण संस्थान हमेशा सबसे आगे रहे। दोस्तों, सीकर को सिर्फ शिक्षा नगरी सीकर इसीलिए नहीं कहा जाता कि यहाँ पे हजारों और लाखों स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं और अपना करियर सुनिश्चित करते हैं, अपितु इन शिक्षण संस्थानों की वजह से हजारों लोग यहाँ पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनको रोजगार मिला है और वो अपनी आजीविका चला रहे हैं। सीकर की प्रोग्रेस में इन शिक्षण संस्थानों की अहम भूमिका रही है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 की वजह से पूरा देश एक विकट परिस्थिति से होकर गुजर रहा है और उसमें ऑक्सीजन एक बहुत ही बड़ी समस्या बनती जा रही है। अतः सीकर के पेशेंट्स को ऑक्सीजन ना मिलने जैसी तकलीफ का सामना ना करना पड़े, इस हेतु सीकर में ही ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए, जी हाँ दोस्तों, सीकर में ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए हमारे माननीय शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा, विधायक राजेंद्र जी पारिक और जिला कलेक्टर अविचल जी चतुर्वेदी ने ये विचार शिक्षण संस्थाओं के डायरेक्टर्स के समक्ष रखा। उन संस्थापकों ने 2.5 करोड़ की लागत में बनने वाले इस ऑक्सीजन प्लांट में से 1 करोड़ रुपए की राशि शिक्षण संस्थान की तरफ से देने का निर्णय किया, जिसमें प्रिंस एडुहब की तरफ से 10 लाख रुपए और भारतीय शिक्षा संकुल की तरफ से 10 लाख रुपए, CLC कोचिंग की तरफ से 10 लाख रुपए, गुरु कृपा कोचिंग की तरफ से 10 लाख रुपए और नवजीवन ग्रुप की तरफ से 3 लाख रुपए और बाकी बची हुई राशि के लिए और शिक्षण संस्थाएं सामने आ रही है और अपना योगदान दे रही है ताकि सीकर में ये ऑक्सीजन प्लांट बन सके। इन शिक्षण संस्थाओं के संचालकों ने ये भी कहा, अगर राशि कम पड़ती है तो एक बार बता दीजिए, बाकी राशि का भी ये अरेंजमेंट कर देंगे। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा इस शिक्षा नगरी सीकर में काम होने जा रहा है, ऑक्सीजन प्लांट बनने जा रहा है और मुझे गर्व है, मैं इस शिक्षा नगरी सीकर का निवासी हूँ। और सबसे ज़्यादा गर्व की बात मेरे लिए ये है कि मैं ये एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ। और दोस्तों, हम सबका साथ ही हमारा संघर्ष ही इस कोरोना से जंग जीतने में हमारा साथ देगा। हम सबके सामूहिक प्रयास से ही हमें इस कोरोना वैश्विक महामारी में विजय प्राप्त होगी और एक बार फिर से मुस्कुराएगा इंडिया, जीत जाएगा इंडिया। और अंत में आपसे यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, मास्क पहने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से और हाथों को सैनिटाइज करें बार बार में, साबुन हो तो साबुन से धोएं, सैनिटाइज करते रहें अपने हाथों को ताकि कोरोना के वायरस हमारे साथ ना आए, अपने परिवार को ना लगे, आसपास को ना लगे, अपने समाज को ना लगे। और एक उचित दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।